हिंडोली में तहसील रोड पर एक रेडीमेड स्टोर में शनिवार देर रात को आग लगने से वहां पर करीब 20 लाख रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार हिंडोली निवासी महेंद्र सैनी रात को 9:30 बजे दुकान बंद कर घर चला गया। तभी 12:15 बजे दुकान में धुआं निकलने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे और शटर खोला तो वहां पर आग लगी मिली। उन्होंने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, तब तक काफी मात्रा में कपड़े जल चुके थे।